बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद इरा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट दही भल्लों की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये भल्ले ना सिर्फ ऑयल फ्री होंगे बल्कि थोड़ी सी चीज़ों से ये ढेर सारे भल्ले बना के आप कई माह तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेंड, दाल के भल्ले या सिर्फ बेसन के भल्ले तो आप लोगों ने कई बार खाए होंगे। आज मैं आपको एक नए तरीके से इन भल्लों को बनाने का तरीका बताऊँगी। इन भल्लों को हम साबुत मूंग दाल और बेसन दोनों से तैयार करेंगे। तो चलें ये ज़बरदस्त से भल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो भल्ले बनाने के लिए 1.5 कप मैंने मूंग दाल ले ली थी। यहाँ पे मैंने साबुत मूंग दाल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बगैर छिलके वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैंने अच्छी तरह पानी में भिगो दिया था। पानी में भिगोने से देखें दाल जो है वो नरम हो चुकी है। अब दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह दाल को हमने मल लेना है ताकि जितने इसके छिलके निकल सकते हैं वो निकल जाएँ। दाल चूंकि नरम हो चुकी है तो आसानी से इसके छिलके जो है वो उतर जाएंगे। इसके छिलकों को हमने निकाल देना है और दोबारा से पानी से एक बार इसको धो लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंडर की मदद से इस तरीके से दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको एक बर्तन में डाल देंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपके भल्ले नरम बनेंगे। तो उसके लिए आपने इस दाल को 4 से 5 मिनट लगातार इस तरीके से फेंटे, एक ही डायरेक्शन में हाथ की मदद से अच्छी तरह दाल को जब हम फेंटेंगे तो इससे दाल में हवा भरेगी जिससे आपके भल्ले नरम बनेंगे। तो 4 से 5 मिनट अच्छी तरह दाल को मैंने फेंट लिया है, ये फ्लफ़ी हो गया और इसका साइज़ भी पहले से बढ़ गया। बिल्कुल जैसे हम आइसक्रीम को बीट करते हैं ना, उसी तरह हमने इसको बीट करना है। तो अगर आप इसको मशीन से चाहें तो मशीन से भी फेंट सकते हैं। इसको अब हम साइड पर रख देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 कप बेसन ले लिए। बेसन को हमने छान लेना है। 1.5 कप हमने मूंग दाल का इस्तेमाल किया है तो इसमें 4 कप हम बेसन डालेंगे। तो बेसन को मैंने छान लिए। अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक, 1/2 चाय का चम्मच अजवाइन और 1/2 चाय का चम्मच इसमें हम बेकिंग सोडा डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें पानी शामिल करना है और इसका बैटर हमने तैयार कर लेना है। सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और इसका स्मूथ सा हमने बैटर तैयार करना है। तो फिर बिल्कुल इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब बेसन को भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फेंट लेना है, इससे इसमें हवा भरेगी और जब हम भल्ले तैयार करेंगे तो वो फूले फूले और नरम बनेंगे। तो बेसन को भी अच्छी तरह हमने फेंट लिए। देखिए जब इस तरह से आप इसको हाथ में लेंगे तो ये आसानी से गिर नहीं रहा, इसका मतलब है ये परफेक्ट रेडी हुआ है। तो अब हमने इसको जो मूंग दाल हमने फेंटी थी उसमें डाल देना है और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद ये परफेक्ट हमारा भल्लों के लिए बैटर रेडी हो चुका है। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। दरमियानी आँच पर इनको हमने फ्राई करना है। इस तरह हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा हम पोर्शन लेंगे और ऑयल में भल्ले डालते जाएंगे। ये परफेक्ट भल्लों का साइज़ है। हाथ को आपने थोड़ा सा गीला करना है और फिर आपने ये बैटर डालना है। तो एक बैच में जितने भल्ले आते थे वो मैंने डाल दिए और फ्रेंड देख सकते हैं आप ऐसे ऐसे ये पोल के ऊपर आ रहे और साइज़ भी इनका बड़ा हो गया, क्योंकि अच्छी तरह हमने इनको फेंटा था इसलिए बिल्कुल ये फूले फूले बन रहे। तो 2 से 3 मिनट एक साइड से इसको हम गोल्डन होने देंगे, इसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको हमने गोल्डन होने तक पकाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और परफेक्ट ये तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इनमें एयर है तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये अंदर तक बिल्कुल पक जाएंगे। तो ये देखिए परफेक्ट ये गोल्डन हो गए और ये रेडी हो गए। तो इस तरीके से इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी जो भल्ले हैं वो भी हम रेडी कर लेंगे। तो ये परफेक्ट भल्ले सारे मैंने रेडी कर लिए और देखिए कितने ढेर सारे, तकरीबन 100 से ज़्यादा हमने ये भल्ले तैयार किए। अब इन भल्लों को हमने ठंडा कर लेना है और मैं अब इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट ये बने। इसके बाद आपने जिप लॉक बैग ले लेना है और इसमें हमने भल्ले डाल देने हैं और इस तरह से जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़र में कई माह तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें टेस्टी फूड विद इरा।